अगर आप पेटीएम वॉलेट इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। जैसा कि आपने हमारे वीडियो को देखकर ये जाना ही होगा कि अमेजॉन पे वॉलेट की यूपीआई आई है, जहां पर हम लोग अमेजॉन वॉलेट वैलेंस को यूपीआई के तहत इस्तेमाल करके ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर कहीं पर पेमेंट कर सकते हैं, या फिर जो यूपीआई आईडी मिलता है उसके जरिए हम अमेजॉन पे में डायरेक्ट पैसे रिसीव कर सकते हैं। उसी प्रकार से अब आपको पेटीएम वॉलेट में ये सर्विसेज देखने को मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पेटीएम वॉलेट में ऐड मनी करने का ऑप्शन सभी प्रकार से है, जैसे यूपीआई से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी को यह भी पता होगा कि पेटीएम वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसे भेजने पर कोई चार्ज नहीं किया जाता है, बिल्कुल फ्री में आप पेटीएम वॉलेट बैलेंस को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। पेटीएम में हम लोगों को एक सुविधा यह भी मिलता है कि पेटीएम का मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे आप वॉलेट बैलेंस से पेमेंट कर सकती हैं, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन पेटीएम वॉलेट में भी यूपीआई जैसी सुविधा आपको देखने को मिलेगी। हालांकि काफी सारे अकाउंट पर देखोगे पेटीएम वॉलेट में ऐड मनी करने जाओगे तो वहां पर एक यूपीआई आईडी शो होगा जिसमें आपका नंबर रहता है, जिससे आप रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं, वॉलेट अकाउंट खोल के रखते हैं, तो आपका नंबर .wallet.@paytm रहता है। इससे यह पता चलता है कि जल्द ही या फिर बहुत लोगों को इस चीज से अवगत कराया जा रहा है कि देखो पेटीएम वॉलेट की यूपीआई सर्विस कुछ इसी प्रकार के यूपीआई आईडी से मिलेगी। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि पेटीएम ये चीज कब लागू कर रही है। मुझे कुछ यूनिक सा लगा क्योंकि मैंने देखा वहां पर यूपीआई आईडी था, जो नंबर था उसके बाद डॉट, उसके बाद वॉलेट, उसके @paytm। बेसिकली हम लोग जब पेटीएम का यूपीआई आईडी बनाते हैं तो जो हम लोग यूपीआई आईडी बनाते हैं वो होता है @paytm, या फिर अपना नंबर से ही बनाते हैं तो आपका अपना नंबर होता है @paytm। लेकिन यहाँ पर जब वॉलेट में देखा जाए तो काफ़ी सभी अकाउंट पर ये चीज़ें नहीं है। हम अपने अकाउंट पर एक चेक किए हैं तो वहाँ पर जब वॉलेट में देखने जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें हैं ही नहीं। वहाँ पर सीधे वहाँ पर बताया जाता है जो मेरा यूपीआई आईडी रहता है। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है .wallet.@paytm करके है। तो अब देखना शेष है कि अमेजॉन पे की तरह पेटीएम कैसे यहाँ पर कब जो है यूपीआई वाला सुविधा लेकर आती है, जिससे वो वॉलेट के साथ इस चीज़ को जोड़ती है ताकि हम लोग आसानी से यूपीआई इस्तेमाल करके पेटीएम वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सके और सीधे पेटीएम वॉलेट में पैसे रिसीव कर सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।